नमस्कार, मैं लिपिका लिपिक किचन से। आज हम बनाने जा रहे हैं पोड़ो पिठा या राइस केक माइक्रो ओवन में, और ये हमारे उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चावल और दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था। मैंने यहाँ पे 1 कप दाल और 2 कप राइस लिया हुआ है। ये राइस में थोड़ा सा मेथी दाना डाला है मैंने, इसके अच्छे से फ्लेवर आने के लिए थोड़ा सा ही डालना है। और पहले हम उड़द दाल को ग्राइंडिंग करके एक पेस्ट बना लेंगे उसको, और उसको अलग से बाउल में निकाल लेंगे। फिर चावल का भी वही पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बना है चावल का, और उसको 1 घंटे के लिए ढक के अलग से रख लेंगे। 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे शेडेड कोकोनट लिया है, और स्लाइस्ड कोकोनट और क्यूब्स कोकोनट और काजू, किशमिश, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और एक स्मॉल कटोरी गुड़, और ये दोनों बैटर को हम लोग मिला लेंगे और उसमें गुड़ डाल लेंगे। फिर ऊपर से पेपर पाउडर डाल लेंगे, 1 पिंच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और उस पर शेडेड कोकोनट डाल लेंगे, और सारा जो ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट है सब डाल लेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चाहे तो आप इसमें अदरक डाल सकते हो, लेकिन मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप डाल सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून, उसको मिला लेंगे अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे बेल लीफ को डायरेक्ट नहीं डाला, उसको एक ये में फ्राई करके, तेल घी में फ्राई करके उसका घी डाल दिया, बस अरोमा आने के लिए। फिर एक मोल्ड में बटर पेपर डाल के उसमें सारा बैटर डालेंगे। मैंने बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी, तो 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल के उसको मिला लेंगे, लेकिन आपको बैटर के टाइम पे डाल के मिलाना होगा उसको। ऊपर से काजू, किशमिश, चेरी और कोकोनट के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। फिर अभी यहाँ पे मैंने 230 डिग्री में ओवन प्री हीट किया हुआ था, फिर अभी 200 डिग्री में 25 मिनट के लिए हम उसको बेक कर लेंगे। मेरा कुछ बैटर बच गया था, तो उसको मैंने कढ़ाई में वैसे घी डाल के उसको पका लिया है। उसको फ्लिप कर लेंगे। ये बन के रेडी हो गया हमारा पिठा। अभी 25 मिनट हो गए हैं, और अभी चेक कर लेते टूथपिक डाल के। ये देखिए, हमारा टूथपिक एकदम क्लीन आया, तो हमारा पिठा रेडी हो गया है। अभी इसको हम सर्व कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही सर्व करना है। हैप्पी रह जाओ, एंजॉय और रह जाओ। एंड इसको पीसेस में कट कर लेंगे, सर्विंग प्लेट में डालेंगे और सर्व कर लेंगे। मैंने इसको घुघनी के साथ सर्व किया हुआ है। घुघनी का मतलब है येलो पीस डाल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी रोजा।